फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपने फेस से पिंपल हटाने के लिए और अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए क्या करें। तो सबसे पहले हमें चाहिए विटामिन ई का एक कैप्सूल, उसके बाद हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी। ये आपको सोने से पहले आप करेंगे तो आपकी त्वचा पे बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, मुल्तानी मिट्टी को एक कटोरी में ले लीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मुल्तानी मिट्टी रखी थी और इसको मैंने जो है घोल बना लिया है थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके। अब हमें लेना है विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि हम इसमें कट करेंगे। इसका जो ऑयल है, किसी आप सीजर से या फिर किसी पिन से इसको पिन इस पे कर सकते हैं, ताकि इसका जो ऑयल है वो सारा मुल्तानी मिट्टी में आए। मैं आपको जो है पिन करके बता रही हूँ। ये देखिए विटामिन ई का जो कैप्सूल है, इसमें से सारा जो इसका ऑयल है ये हम डालेंगे मुल्तानी मिट्टी में, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा जितना मुल्तानी मिट्टी में डाल के फ़ायदा करेगा। तो अब हम इसको घोल लेंगे। आप लोग देख सकते हो, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मुल्तानी मिट्टी में मैंने ये कैप्सूल ऐड कर लिया है। अब इसको, इस घोल को मैं थोड़ा सा ना ज़्यादा इसको पतला करेंगे ना ही ज़्यादा इसको गाढ़ा करेंगे, बट हाँ जितना फेस पे इसको लगा पाओ उतना ही इसको जो है इसमें इस कैप्सूल को मिक्स कर लें। इसका ऑयल जो है इसमें मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसको जो है फेस पे अप्लाई करने जा रहे हैं। हमेशा जब भी मुल्तानी मिट्टी को आप फेस पे अप्लाई करें, कोई भी चीज़ अप्लाई करें, सबसे पहले ध्यान दें कि इसको अपलिफ्ट करना है। इसकी डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए, नीचे की तरफ नहीं, क्योंकि आपकी जो स्किन है इसको आपको अपलिफ्ट करना है, ताकि जो, क्योंकि हम मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट जो है स्किन टाइटनिंग के लिए भी लगाते हैं, इसीलिए आपको हल्का हल्का लिप्स का एरिया छोड़ के आपको इसको अपने पूरा फेस पे जो है अप्लाई कर लेना है। ध्यान रखना है कि आपका जो है पूरा फेस कवर हो। देखिए मैं इसको बार बार जो है अपलिफ्ट कर रही हूँ, ताकि जो है आपकी स्किन टाइट हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको लगा लिया अपने फेस पे। सी, मेरा पूरा फेस जो है कवर हो चुका है। हल्का सा इसको आप नेक पे भी करना है, हल्का सा। आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस जो है एकदम पूरा, मैंने पेस्ट जो है अपने फेस पे लगा लिया है। अब हम इसको इसका सूखने तक वेट करेंगे और कुछ बोलेंगे नहीं। 10 मिनट हो गए हैं, आई थिंक 15 ही मिनट हो गए, अब ये सूख चुकी है। तो अब हम इसको वॉश कर लेंगे सिंपल पानी से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने फेस को वॉश कर लिया है। आप लोग भी इसको यूज़ करें, क्योंकि इसका फ़ायदा जो है आपको एक दिन में नहीं, कुछ दिन लगातार करेंगे तभी दिखेगा। ऐसा वीक में 3 डेज करें तो आपको जो है इसका फ़ायदा दिखेगा। इससे स्किन आपकी बहुत ग्लोइंग होगी। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए नीचे कमेंट में भी लिखिए कि आपको वीडियो कैसी लगी।